नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से यूपी के विकास का रास्ता निकलेगा। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1,000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजीनियरिंग की सरकार करके दिखा रही है। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, जो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान, लोगों के समय की बचत। दूसरा वरदान, लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी। तीसरा वरदान, यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग। चौथा वरदान, यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि। पांचवा वरदान, यूपी में चौतरफा समृद्धि। साथियों, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। आपका समय ट्रैफिक जाम में बर्बाद नहीं होगा, आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही पास नहीं लाएगा, बल्कि एक तरह से दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। जब ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो इसके आसपास उद्योगों का एक बहुत बड़ा क्लस्टर तैयार होगा, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले
इसका क्या क्या इस्तेमाल है ये आप लोगों ने भली भांति देखा है ना क्या क्या होता था मालूम है ना, याद है कि भूल गए? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। जौनपुर के मछली शहर में 20 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सभा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंच बनाने और हेलीपैड के लिए स्थान को चयनित करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से 1500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। देखिए 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी जी का यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ है, तो उसमें विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसमें जिसमें विकास की जितनी भी योजनाएं हैं जनपद जौनपुर की एवं इसके साथ जो नेशनल हाईवेज का जो कार्यक्रम है वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, यहीं फौजदार इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होगा। और इसी की तैयारियों व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम और सीआरओ साहब यहाँ मौजूद हैं। और बस इतना ही कहना है, जितने यहाँ पहुंचे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जल्द ही यहाँ पर आगमन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और यहाँ पर 1500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम भी रखा गया है। बीजेपी अवध क्षेत्र के मंत्री के चाचा मोहनलालगंज के गोपालखेड़ा निवासी मुकेश सिंह का शव हरगंज गड़ी के पास आउटर रिंग रोड के किनारे पड़ा मिला। मृतक के गले में निशान भी मिले। वहीं मृतक के परिजनों ने अगवा कर हत्या किए जाने की बात कही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मुकेश गुरुवार रात से ही लापता थे, उनकी बाइक गोपालखेड़ा पुल के पास पड़ी मिली थी। तो बीजेपी नेता के चाचा की हत्या की आशंका यहाँ जताई जा रही है। आउटर रिंग रोड पर शव फेंका गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर गोपालगंज में आउटर रिंग रोड पर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी अवध क्षेत्र के मंत्री के चाचा और मोहनलालगंज के गोपालखेड़ा निवासी मुकेश सिंह का ये शव है जो कि आउटर रिंग रोड के पास पड़ा मिला। मृतक के गले पर चोट के गंभीर निशान थे। मृतक के परिजनों ने अगवा कर हत्या किए जाने की बात कही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि मुकेश गुरुवार रात से लापता था और उसकी जो बाइक है वो गोपालखेड़ा पुल के पास पड़ी मिली है। सुल्तानपुर में आज कई शहरों में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के घर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर के पूर्व विधायक अनूप सांडा ने बीजेपी पर हमला बोला। पूर्व विधायक अनूप सांडा ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग सरकार का पालतू जानवर है, चुनाव नजदीक आते ही सरकार के इशारों पर काम करता है। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जिसके चलते बीजेपी में बौखलाहट देखी जा सकती है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही जो आयकर विभाग है वो अलग अलग इलाकों में जितने भी सपा के बड़े नेता हैं उनके घरों पर उनके दफ्तरों पर छापेमारी करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। साथ ही साथ तमाम बयानबाजी भी की जा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे सतर्कता आयोग हो जिसको ईडी कहते हैं, चाहे आयकर विभाग हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब सरकार के पालतू जानवर बन गए हैं। और जब कभी भी चुनाव करीब आता है और सत्ता को घबराहट होती है विपक्षी पार्टियों से, तो इनको लोगों को भ्रमित और भयभीत करने के लिए छोड़ने का प्रयास होता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भ्रमित और भयभीत करने का असफल प्रयास कर रही है। इस छापेमारी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शामली में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि आंदोलन के बाद अब कोई भी किसान बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं रोकेगा, बल्कि उनका गांव में बुलाएगा, उनका स्वागत करेगा और उनसे पूछेगा कि किसान हित के लिए उन्होंने आखिर क्या किया, क्या एमएसपी पर गारंटी दी, क्या गन्ने का भुगतान कर दिया। इस तरह के तमाम सवाल बीजेपी नेताओं से किए जाएंगे। राकेश टिकैत ने अजय मिश्र ट्रेनी के बारे में कहा कि वो गलत विचारधारा के लोग हैं और आज भी उनका टेरर वहां पर है। शामली पहुंचे राकेश टिकैत एक बार फिर से सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। उनका कहना है कि अब बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने से कोई नहीं रोकेगा, बल्कि उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन उनसे सवाल भी किए जाएंगे कि एमएसपी पर क्या गारंटी उन्होंने दे दी है, क्या गन्ने का भुगतान जो बकाया था वो कर दिया गया है। वहीं अजय मिश्र ट्रेनी पर वो कहते हुए नजर आए कि वो गलत विचारधारा के व्यक्ति हैं और अभी भी लगातार वो गलत विचारधारा के साथ ही बढ़ रहे हैं। रणनीति ये रहेगी कि जिन लोगों ने आंदोलन में मदद करी उनका धन्यवाद हम सब का कर रहे हैं, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, प्रेस के लोग हो, किसान है, नौजवान सबसे बड़ी संख्या में, तो सबका धन्यवाद है। और आगे का ये है कि यहाँ पर बिजली की बेल्ट है, एमएसपी पे खरीद नहीं होती, वो एक बड़ा सवाल है। तो इन सवालों पर भी हम सरकारों से बातचीत करेंगे और जो भारत सरकार से समझौता हुआ स्टेट गवर्नमेंट उन सवालों पर काम करेगा। उनका धन्यवाद है, हमको तो चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन जिस आदमी ने भी कहा वे धन्यवाद उसका। गन्ना पेमेंट रुका हुआ है किसानों का, इसमें क्या रहेंगे? इसमें आंदोलन करवाऊंगे और तो कुछ बात नहीं, भुगतान दे नहीं रहे, ठीक है। हाँ सामने आवे मुद्दा भाई, जब गारंटर लेता है ना कोई गारंटर, वो गारंटरों को भी पुलिस ढूंढती फिर रही, तो भाई सरकार इनकी गारंटर है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनसे प्रेशर देकर इनसे भुगतान करवाओ। पीलीभीत में पीएसपी और सपा में हुए गठबंधन के बाद पीलीभीत शहर विधानसभा 127 के पीएसपी प्रत्याशी शोएब खान के पहली बार जिला पीएसपी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने शोएब खान का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया, जमकर नारेबाजी की। साथ ही ये भी कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो शोएब खान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में, ऐसा शोएब खान कहते हुए नजर आए। तो पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पीएसपी और सपा में गठबंधन के बाद खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है और पीलीभीत विधानसभा 127 में भी ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिली, जहां पर प्रत्याशी शोएब खान के पहली बार जिला पीएसपी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने शोएब खान का जोरदार स्वागत किया है, नारेबाजी की। साथ ही ये भी कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तो पीलीभीत की तस्वीरें, जहां पर लगातार पीएसपी और सपा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की आवाम को इस चीज का बहुत दिन से इंतजार था, 2022 के चुनाव में बड़ा परिवर्तन आएगा, चचा भतीजे के मिलने से उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है, आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश मनाएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में सेवा बहाल की मांग करते हुए संविदा विद्युत कर्मी मंजू हड़ताल पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि विद्युत विभाग में संविदा पर तैनात रही महिला कर्मी मंजू अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। उसका आरोप है कि उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी गई, साथ ही उनका ईपीएफ का भुगतान भी नहीं किया गया।
तो संभल का ही पूरा मामला है, जहां पर संविदा विद्युत कर्मी की हड़ताल देखी जा सकती है। सेवा बहाल करने की मांग को लेकर लगातार मंजू भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। भूख हड़ताल पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं सन 2018 से बिजली विभाग में काम कर रही थी। सन 2019 में हमारे ऑफिस में नए पुनीत दुबे जी आते हैं, और जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से पता ना उन्हें मेरी जातिगत लेके इतना भेदभाव रखा है उन्होंने कि 2400 घंटे की आप इधर ना बैठो, आप मेरे ऑफिस में मत आओ, आप ये मत करो, आप वो मत छुओ। मैंने उनका अनुसरण करा, इतने पे भी उनका हमारे महोदय जी का मन नहीं भरा तो जगह पे जगह अपने साथ वालों को आँख मारते हुए कि मैडम आपको ये सुनाई दे जाता है, मैडम आप ऐसे ये कैसे कर लेती हो। मैंने फिर भी उसके टालती रही, मैंने चलो अधिकारी से कहने दो। सहारनपुर के बेटा थाना क्षेत्र के जुमालपुर गांव में कई सालों से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। वहीं इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो सहारनपुर का एक पूरा मामला जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने के लिए मिला है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आज घटना ये हुई है, सुबह सुबह गए उस एक बीघा जमीन पे, तो इन लोगों ने ये काम किया, ट्रैक्टर बाड़ दिया उसमें, बरसी थी उसमें डंगरों के घास की, तो इन लोगों ने वो बहना शुरू किया। मैं गया और मेरे भाई गए, हमने कहा बात सुनो, आप SDM साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दो और उसमें पैमाइश कराओ, अगर हमारे पे कम ज़्यादा है तो ये लोग मानने नहीं। इन लोगों ने हमारे ऊपर वार किया, हमारी जमीन बरसी खड़ी थी, उस बरसी में ट्रैक्टर चलाया दिया, मेरे बच्चे जो गए एक गया शुरू में वो छेद लिया, फिर मेरा मर्द गया वो भी छेद लिया, फिर जो बाद में बच्चे ने तीन गए, इनके ऊपर बस छुरिया कुआड़िया फिर फाड़ दिया दो तीन के। तो ये हमारे पास जो है होम गार्ड बेड से लेके आए हैं, और जमीनी विवाद का कोई मामला है, चोटिल है, अभी उनका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। ये थाना बेहट क्षेत्र में गांव पड़ता है जमालपुर, जहां पर ये सुबह सूचना मिली थी कि दो पक्षों में आपस में जमीनी विवाद को लेकर इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें कि करीब 5-6 लोगों को इसमें चोटें आई हैं। ये इनका आपसी पारिवारिक विवाद था, इसमें अभी इन लोगों को मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के लिए भेजा है, जो इसमें घायल हैं कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है, और बाकी इसमें अभी तक हमारे पास किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर जिस हिसाब से तहरीर मिलेगी हम उसी हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बैंक कर्मचारियों ने SBI शाखा के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते नकदी का संकट गहरा गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने कोटोड स्थित SBI शाखा के बाहर प्रदर्शन किया। एनके बंसल ने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ था और ग्राहकों का विश्वास काफी बढ़ा था, लेकिन अब सरकार बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। बैंकों के निजीकरण से बैंक कर्मचारी ही नहीं ग्राहक भी काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। पूरे देश के 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी अधिकारी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक, इन सब में काम करने वाले लोग 2 दिन की हड़ताल पर है। ये हड़ताल इसलिए है कि सरकार 1969 के अंदर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संसद से कानून पारित हुआ था उसके अंदर परिवर्तन करना चाहती है, ताकि गवर्नमेंट अपनी जो पूंजी है उसके अंदर हिस्सेदारी 51% से घटा सके। ये सरकार की तरफ से ये परिवर्तन इसलिए लाया जा रहा है कि सरकार तमाम सरकारी बैंकों जिसके अंदर आम लोग पैसा जमा है उसे गिने चुने पूंजीपतियों को बेच सके। और आज जाकर कहीं ये हड़ताल खत्म हुई है। पीलीभीत में आज से 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी पुलकित खरे और BJP जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने दीप जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई स्कूल के बच्चे भी मौजूद रहे, साथ ही कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आपको बता दें कि पीलीभीत बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से जिला अपनी पहचान खो चुका था। वहीं शासन की मंशा के अनुरूप जिले में 1 District 1 Product के जरिए पीलीभीत को दोबारा पहचान दिलाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। तो 3 दिन का बांसुरी महोत्सव जिसका शुभारंभ किया गया है, और इसके जरिए जो पहचान यहाँ पर
बांसुरी उद्योग ने खो दी थी उसको पहचान दिलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। महोत्सव की शुरुआत हुई है, 17 से 19 दिसंबर के बीच ये महोत्सव चलेगा, जिसमें तमाम तरीके के स्टॉल्स लगे हैं, खाने पीने के स्टॉल हैं यहाँ पे, सूचना विभाग और कई विभागों के स्टॉल्स यहाँ पे हैं। हमारे जनपद में जो बंगाली समुदाय है, पंजाबी समुदाय है, उनके संस्कृति दिखाते हुए स्टॉल्स यहाँ पे हैं। कई तरह के कलाकार इन 3 दिनों में यहाँ पर आएंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे, रंगारंग कार्यक्रम होंगे इसमें है, जो जनपद की छवि और झलक है उसको दिखाने का प्रयास करा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी जनपदवासियों से निवेदन है कि अपने परिवारों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बड़ी संख्या में है इन 3 दिन यहाँ पर आएँ, अच्छा समय बिताएँ, स्टॉल्स पे जो चीज़ें मिल रही हैं उनको देखें, खरीदें, स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन दें और साथ साथ जो रंगारंग कार्यक्रम है 3 दिन को जो कार्यक्रम होने हैं उनका भी आनंद लें। सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने अपने खुद से पत्र लिखा और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संघ के अध्यक्ष रणजीत कुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज पुरानी पेंशन बहाल करने और पदोन्नति सेवा नियमावली बनाने की मांग को लेकर खून से पत्र लिखकर भेज रहे हैं, क्योंकि जब तक सेवा नियमावली नहीं बनेगी तब तक हमारी पदोन्नति नहीं हो सकती। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर तमाम यहां पर जो कर्मी थे वो मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं ने खून से पत्र लिखा है और कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती ये जो प्रदर्शन है वो यूं ही चलता रहेगा। हाल ही में सहारनपुर के सरसवा पुलिस की तरफ से सरकारी तेल पाइपलाइन में सेंधमारी कर करोड़ों रुपए का तेल चुराने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ में पता चला है कि मुजफ्फरनगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी बीके शुक्ला भी तेल चोरी करवाने में शामिल थे और हर महीने आरोपियों से 30,000 रुपए की रिश्वत लिया करते थे। सहारनपुर की सरसावा पुलिस ने मुजफ्फरनगर के जिला पूर्ति अधिकारी बीके शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले भी 2015 में जिस वक्त बीके शुक्ला शाहजहांपुर जिला पूर्ति अधिकारी थे उस वक्त भी उन्हें 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। तो सहारनपुर का एक पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर तेल चोरी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पूछताछ में पता चला कि मुजफ्फरनगर का जिला पूर्ति अधिकारी भी इसमें संलिप्त है, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात युवक का शव हाईवे के किनारे पड़ा मिला। युवक का शव मिलने से जहां इलाके में सनसनी फैल गई वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। लोगों ने युवक के हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका व्यक्त की है। वहीं युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी, भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात का एक पूरा मामला जहां पर हाईवे के किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। आसपास के लोगों की आशंका है कि हत्या कर शव को यहाँ फेंका गया है। थाना सिकंदराबाद के राजधान चौकी क्षेत्र में हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी की सूचना मिली। इस संबंध में जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची है, लगभग 9:30 बजे की सूचना है, इस दौरान यहां मौके पर डेड बॉडी बरामद हुई है। उसके सिर में गंभीर चोटें हैं और धारदार हथियार से प्रहार किया गया है, जिसमें सिर में और चेहरे पर गंभीर चोट है और खून के निशान यहाँ मौके पर दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में अभी तहकीकात जा रही है, लेकिन डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।